हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज़ वीडियो विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द रिलीज टाइम, डेडलाइन एंड रेस्पॉन्ड टाइम इन रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज रिलीज टाइम, डेडलाइन एंड रेस्पॉन्ड टाइम। ये क्या होते हैं उनको आज की वीडियो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं रिलीज टाइम क्या है। तो द रिलीज टाइम ऑफ ए जॉब इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच द जॉब बिकम्स अवेलेबल फॉर एजुकेशन। वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जिस टाइम पर कोई भी जॉब एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल हो जाती है, वो टाइम आपका क्या कहलाता है? रिलीज टाइम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपका टाइम ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जॉब थी, लेकिन जॉब आपकी इस टाइम पर रेडी हुई है एग्जीक्यूशन के लिए। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ द टाइम और द इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच द जॉब बिकम्स अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। तो इस टाइम को हम क्या बोलेंगे? रिलीज टाइम। क्लियर? नाउ द सेकेंड टर्म इज द कंप्लीशन ऑफ टाइम। कंप्लीशन ऑफ टाइम क्या है? द कंप्लीशन टाइम इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच द जॉब कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन। जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई भी जॉब अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है, वो उसका क्या कहलाता है? कंप्लीशन टाइम। फॉर एग्जांपल, जॉब यहाँ से रिलीज हुई थी, इतने टाइम तक जॉब एग्जीक्यूट हुई और इस मोमेंट ऑफ टाइम पर जॉब ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। दिस मोमेंट ऑफ टाइम, यहाँ से रिलीज हुई थी और यहाँ पर आके उसका कंप्लीट हो गया। सो कंप्लीशन ऑफ टाइम क्या है? वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये वाला टाइम जिस पर कोई भी जॉब अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीशन टाइम। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी जो आती है इसमें, दैट इज द रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रेस्पॉन्स टाइम इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द रिलीज टाइम ऑफ ए जॉब एंड द कंप्लीशन टाइम ऑफ ए जॉब। जिस टाइम से रिलीज हुई और जिस टाइम पर कंप्लीट हुई, उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स टाइम। सो रेस्पॉन्स टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस रिलीज टाइम। कंप्लीशन टाइम में से रिलीज टाइम आप घटा देंगे, देन यू विल गॉट द रेस्पॉन्स टाइम, कि किस टाइम पर जॉब ने रेस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्मोलॉजी, दैट इज डेडलाइन। डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है जो हम रियल टाइम सिस्टम में यूज करते हैं। डेडलाइन क्या है? डेडलाइन ऑफ ए जॉब इज द इंस्टेंट, किसी भी जॉब की डेडलाइन वो पर्टिकुलर इंस्टेंट या वो पर्टिकुलर मोमेंट है एट विच जॉब शुड बी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। जिस टाइम तक किसी भी जॉब को एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या है भाई? जॉब तो यहीं पर एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है और ये टाइम भी हम कह रहे हैं कि वी आर सेइंग दैट दिस इज द डेडलाइन और ये पर्टिकुलर डेडलाइन है। इसका मतलब क्या है? तो डेडलाइन और रिलीज टाइम में क्या अंतर है? रिलीज टाइम वो टाइम है जिस टाइम पर जॉब एक्चुअली अवेलेबल हो गई एग्जीक्यूशन के लिए। मान लीजिए फिफ्थ ऑफ सेकंड पर जॉब आपकी एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो गई, उसको हमने क्या कह दिया? रिलीज टाइम। लेकिन डेडलाइन क्या थी? डेडलाइन थी 12th ऑफ सेकंड, कि 12th सेकंड तक जॉब को हर हाल में रेडी हो जाना चाहिए था। लेकिन जॉब तो उसके पहले भी रेडी हो सकती है और हो सकती है पहले रेडी होकर अपना एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट कर ले, जैसे इस केस में हुआ है। तो डेडलाइन क्या है? डेडलाइन वो मैक्सिमम टाइम है जिस टाइम तक कोई भी जॉब को रेडी हो जाना चाहिए अपने एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन जॉब क्या है? नॉर्मली जॉब, इफ इट इज़ ए गुड जॉब, तो वो क्या होगी? पहले ही एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगी, डेडलाइन तक वेट नहीं करेगी। डेडलाइन तो वो मैक्सिमम टाइम है जिस मोमेंट तक उसे रेडी हो जाना चाहिए, 12th सेकंड से आगे नहीं जानी चाहिए, ठीक है? डेडलाइन का मतलब ये है। लेकिन जॉब तो 5th सेकंड में रेडी हो गई, तो जिस टाइम पर रेडी होके उसने अपने अवेलेबल हो गया एग्जीक्यूशन के लिए, वो टाइम क्या कहलाया? रिलीज टाइम कहलाया, ठीक। तो डेडलाइन क्या है? डेडलाइन ऑफ ए जॉब इज द इंस्टेंट एट विच जॉब शुड बी रेडी, जिस टाइम तक जॉब को रेडी हो जाना चाहिए था। लेकिन जॉब कितनी किस टाइम पे रेडी हो गई? रिलीज टाइम पे रेडी हो गई, पहले ही रेडी हो गई, ठीक है। अब डेडलाइन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं,
एब्सोल्यूट डेडलाइन और रिलेटिव डेडलाइन। ठीक, अभी एब्सोल्यूट डेडलाइन क्या है? डेडलाइन हमने क्या बोला था, ये पर्टिकुलर मोमेंट है डेडलाइन आपका, ठीक। लेकिन अभी एब्सोल्यूट डेडलाइन और रिलेटिव डेडलाइन क्या आ गई, तो पहले एब्सोल्यूट डेडलाइन देख लेते हैं। एब्सोल्यूट डेडलाइन इज द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टाइम जीरो एंड द एक्चुअल इंस्टेंट एट विच डेडलाइन ऑकर्स। जीरो टाइम से लेकर डेडलाइन तक के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डेडलाइन। देखिए मैंने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट डेडलाइन कहां से कहां तक है, जीरो टाइम से लेकर और जहां पर एक्चुअल डेडलाइन हुई, ये वाला जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डेडलाइन। जो एक्चुअल डेडलाइन का टाइम था इंस्टेंट था और जीरो टाइम से लेकर दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा आपका, एब्सोल्यूट डेडलाइन कहलाएगी। जीरो से लेकर एक्चुअल इंस्टेंट एट विच डेडलाइन अकर्स। तो फिर रिलेटिव डेडलाइन क्या चीज है, द रिलेटिव डेडलाइन इज द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द रिलीज टाइम एंड द एक्चुअल इंस्टेंट एट विच द डेडलाइन अकर्स। इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच द डेडलाइन अकर्स और रिलीज टाइम, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये वाला डिफरेंस, ये आपका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव डेडलाइन। तो रिलेटिव डेडलाइन कैसे निकलेगी, जो डेडलाइन की इंस्टेंस है, जो डेडलाइन की इंस्टेंस है उसमें से रिलीज टाइम घटा दीजिए, जो डेडलाइन की इंस्टेंस है उसमें से रिलीज टाइम घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव डेडलाइन मिल जाएगी। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि जो डेडलाइन है और जो एब्सोल्यूट डेडलाइन की वैल्यू आती है वो दोनों की सेम ही आती है, क्यों, अगर आप एब्सोल्यूट डेडलाइन निकालेंगे तो क्या आएगा, डेडलाइन टाइम माइनस जीरो। भाई एब्सोल्यूट डेडलाइन की वैल्यू क्या आएगी, एब्सोल्यूट डेडलाइन इक्वल टू डेडलाइन इंस्टेंस, यानी कि जो भी डेडलाइन जिस टाइम पर हुआ है, और माइनस जीरो यानी कि डेडलाइन इंस्टेंस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेडलाइन की वैल्यू क्या आएगी, जो डेडलाइन इंस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो रिलेटिव डेडलाइन को चाहे आप डेडलाइन माइनस रिलीज टाइम लिख लीजिए या एब्सोल्यूट डेडलाइन माइनस रिलीज टाइम लिख लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब अगर मान लीजिए मैं ये मानता हूँ कि जीरो टाइम यहाँ पर है, फिफ्थ टाइम पर ये रिलीज हुआ, ठीक है, टेंथ टाइम पर ये टेंथवें सेकेंड में ये कंप्लीट हो गया और ट्वेल्थवें सेकेंड में डेडलाइन थी और मुझसे कहा जाए एब्सोल्यूट डेडलाइन निकालिए, तो एब्सोल्यूट डेडलाइन क्या आएगी, 12 माइनस जीरो, एब्सोल्यूट डेडलाइन की वैल्यू 12 आ गई। ठीक, और मुझसे कहा जाएगी रिलेटिव डेडलाइन निकालिए, तो रिलेटिव डेडलाइन की वैल्यू क्या आएगी, रिलेटिव डेडलाइन की वैल्यू आएगी आपकी 12 माइनस 5, 7 आ जाएगी। ठीक है, मुझसे कहा जाए रेस्पॉन्स टाइम निकालिए, तो कंप्लीशन टाइम माइनस रिलीज टाइम यानी कि 10 माइनस 5, तो 5 आ जाएगा। इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, रिलीज टाइम क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, डेडलाइन क्या होता है, डेडलाइन और एब्सोल्यूट डेडलाइन में क्या डिफरेंस होता है, या एब्सोल्यूट डेडलाइन रिलेटिव डेडलाइन में क्या डिफरेंसेस हैं, आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे। इसके अलावा छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आपको रिलीज टाइम दे दे, कंप्लीशन टाइम दे दे, रेस्पॉन्स टाइम पूछ ले, या आपको एब्सोल्यूट डेडलाइन दे दे, रिलेटिव डेडलाइन दे दे और आपसे पूछे कि रिलीज टाइम क्या होगा। तो कोई भी इन पर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट मेन पॉइंट इज बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि है क्या, व्हाट इज रिलीज टाइम, व्हाट इज कंप्लीशन टाइम, व्हाट इज डेडलाइन, व्हाट इज एब्सोल्यूट डेडलाइन एंड व्हाट इज द रिलेटिव डेडलाइन। आई होप ये टर्मिनोलॉजी आप सबको क्लियर होगी होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। गंदा।